नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज बुधवार को करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे सरदार त्रिलोचन सिंह के निवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ जयप्रकाश बरवाला, कुलदीप शर्मा, सरदार त्रिलोचन सिंह, पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, सुनील राणा, अरविंद मानिटू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। हरियाणा एक क्राइम स्टेट बनकर रह गया है। कोरोना महामारी के समय पीटीआई टीचर को नौकरी से निकालना बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने गेहूं घोटाले और शराब घोटाले पर बोलते हुए कहा कि यह सरकार कोई भी जांच पूरी तरह नहीं करती है, सिर्फ लंबी खींचती है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में सरकार की लोकप्रियता की पोल खुल जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बड़ौदा उपचुनाव के लिए तैयार है। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जल्द से जल्द कांग्रेस का संगठन नए सिरे से खड़ा किया जाएगा, जिसमें निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा भाजपा और जजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार धान लगाने से किसानों को मना कर रही है और मक्का लगाने की बात कर रही है, जो कि किसानों की लागत को भी पूरा नहीं कर पाता। इसलिए सरकार को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार में विपक्ष के नाते वह समय समय पर जनता की आवाज उठाते रहते हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। 2009 में जब हमारी सरकार बनी, जब उनके पास कितने विधायक थे? 40 के आसपास, 32 के आसपास, 32 तो 32 में भी कुछ नहीं हुआ। तो 30 क्या होते थे? छोटा सा मार्केट कमेटी बोर्ड को खत्म करने की चर्चा चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। पीछे की बात करते ना यार, उनका ऐसा ही हिसाब होता है। छोटा सा मार्केट कमेटी बोर्ड को खत्म करने की चर्चा चल रही है, बड़ा गुलूमर फैला हुआ है और एजिटेशन स्टार्ट होने वाले, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो ऑर्डिनेंस आया है वो पूरी तरह से तो मैं अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन लगता है कि उस ऑर्डिनेंस से हरियाणा और पंजाब के किसान का नुकसान होने जा रहा है। उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह कंट्रैक्ट फार्मिंग का प्रदान किया और जो APMC उसमें अनलिमिटेड की बात कही है, उसमें मोनोप्राइस हो जाएगी। मतलब एक कंट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसकी क्वालिटी कितनी कम है, क्वालिटी मतलब चीज सस्ती होगी, तो जो खरीदार है, बड़ा खरीदार है, वो नहीं लेगा। किसान कहाँ जाएगा? कोर्ट में जा नहीं सकता, वो SDM के आएगा, डिप्टी कमिश्नर के आएगा, आर्बिट्रेटर बनेंगे। पूरी अध्ययन करने के बाद कुछ अमेंडमेंट का हम सुझाव देंगे। सर, अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, चाहे वे खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी हो या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, कार्रवाई किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं होती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही मंत्रालय जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। कार्रवाई तो जब जो ये घोटाले हुए हैं, कोई अपने आप अधिकारियों के बलबूते पे हो क्या? ये संरक्षण क्या संरक्षण में चल रहा है, कार्रवाई तो उनका होनी चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा ना, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी मेमोरियल चैरिटेबल, इंदिरा गांधी चैरिटेबल, इनके ऊपर आरोप लगाए हैं और इनके जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि इसमें जो है जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो उनका दान वगैरह जो देते हैं वो अभी भी मतलब उसमें जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहना है? ट्रस्ट में तो सर दिया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री राहत कोष की जो बात की गई है वो 6 साल हो गए जी सत्ता से बाहर है, तो अब उनका हक बनता नहीं है। इसको सत्ता का दान का क्या मतलब है? सत्ता का दान का तो ऑडिट कराने से मना किया जी। ऑडिट अगर उसमें प्रावधान होगा तो ऑडिट कराएंगे सर। बड़ौदा
सर बड़ौदा उपचुनाव है और अधिकतर बार देखा गया है कि उपचुनाव वो कांग्रेस की क्या तैयारी सर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार बड़ौदा साहब यहाँ गेहूँ भीग गया खरीद के दौरान उसको उठाने के लिए 3 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का सुविधा शुल्क लेने का मामला चल रहा है यहाँ पर जिसकी आरतीयों ने 2 एसोसिएशन ने कंप्लेंट की है लेकिन वो अभी तक मामला लटका हुआ है। ये क्या मामले ऐसे जो होते हैं इंस्पेक्टर की बताई जा रही है बहुत बड़ी लापरवाही सामने ये जिसमें उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि किसानों का सरकार है भाई विदिन सरकार है मैं कह रहा हूँ हर उस पे सरकार फेल है जिस तरह गेहूँ की खरीद हुई और नए नए तजर्बे किए एक गेहूँ की खरीद में आपने देखा अभी कूपन बनाओ 10 एकड़ की मंडी है उसमें भी उतरे कूपन 50 एकड़ की मंडी है उसमें भी इतने कूपन और जिस प्रकार से वहाँ खरीद से चली है और किसानों को जो पेमेंट डेढ़ दो दो महीने नहीं मिली है उसके ब्याज की कोई चर्चा नहीं करता तो ये आपके सामने हर समय और नए नए तजर्बे करने लगे किसानों के साथ कि धान मत बो क्या बो मक्का बो मक्का 1750 MSP है उसकी और आज कितने की बिकी है 800-700 प्रति क्विंटल कहाँ जाएगा लागत तो इतनी बढ़ा दी अब डीजल करे किसान की मदद करें डीजल तो सबसे महंगा कर दिया एक ड्रम डीजल पर 4,000 रुपए बढ़े लागत इतनी बढ़ गई खाद की कीमत बढ़ गई किसान पे मार पड़ पेस्टिसाइड पे पड़ गई कोई भी वर्ग नहीं बाकी ना भाई हाँ जी हाँ जी हर वर्ग पे मार पड़ी है तो आपके फ्री राशन देने की बात कही है और केंद्र जो स्टेटों ने जो है वो कोटा तो उठा लिया लेकिन अब तक उसका वितरण जो है 13% हुआ तो डॉक्टर साहब एक मामला आ रहा है कि जो बीपीएल का आटा जो डिपो पर दिया जा रहा था उसको बंद करने की खबरें आ रही हैं ये क्या उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है जो गरीब आदमी है जिसको आटा मिल जाता था अब उसको गेहूं मिलेगी वो भी सही मिलेगी नहीं मिलेगी क्या रहेगा ये पूरा मैं शुरू से ही देखता हूँ आटे में धांधली होती थी गेहूं ठीक है सड़े हुए गेहूं का आटा खिला के लोगों को बीमार करने की जरूरत नहीं। सर अशोक तंवर और अभय चौटाला ने मुलाकात की थी पिछले दिनों किस तरीके से देखते हैं आप हरियाणा की राजनीति में ऐसे ही जैसे मैं तू मुलाकात तो आपको नहीं लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा उससे भी हो गया अशोक तंवर पिछले कई दिनों अशोक तंवर सक्रिय हुए अशोक तंवर सक्रिय भी हो गया आपको नहीं लगता है कि कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है आप ज्यादा बेहतर आप राजनीति के ज्ञाता हैं संगठन कब तक कांग्रेस बना पाएगी तो पहले भी यही आरोप जो है लगते रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर अब कुमारी शैलजा जी हैं काफी समय से 1 साल होने वाला है अभी भी संगठन नहीं है तो कैसे आगे लड़ाई लड़ी जाएगी प्रदेश में हरियाणा का संगठन कब तक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं कृष्ण पाल गुर्जर का नाम चर्चा में है आपको लगता है फर्क पड़ेगा कौन बन गया बना नहीं है बन सकता है कृष्ण पाल गुर्जर का नाम चल रहा है उनका नाम चल रहा है सुभाष वराला तो आपको लगता है कि बीजेपी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे अरे वर्ग इससे संतुष्ट है व्यक्ति का सवाल हटाने की जो बात क्या आपकी सरकार की बात कही जा रही है हटे इनकी सरकार में हटे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह कार्रवाई नहीं की गई मोदी साहब अभी एसएस बोर्ड के मेंबर सोल और चेयरमैन के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए पीटीआई को लेकर पीटीआई भर्ती को लेकर उसको क्या राजनीतिक विद्वेष मानते हैं या मतलब कुछ हो रही है देखिए मैं समझता हूँ वो जो पीटीआई जो मांग कर रहे हैं उनका अधिकार था उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना पड़ेगा सर पिछली दफा ध्यान क्योंकि पीटीआई के एकदम रिलीव करने की बात जब
कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो पीटीआई लगेंगे उन्हीं एप्लीकेट्स में लगेंगे जो थे पहले, तो फिर इंतजार करने के लिए इन्हें रिलीव करने की क्या जरूरत थी? फिर इंतजार करते, नई लिस्ट आती तो जो सिलेक्ट हो जाते वो रह जाते, जो नहीं होते रह जाते, तो कोर्ट के आदेश से। ऐसे तो हमारे समय में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, उस टाइम 1800 सिपाही भर्ती करे थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो निकाल दिए, उन सबको हमने जेल वार्डन लगाया, कभी घर नहीं बैठने दिए। अरे कोरोना का समय है, ये रोजगार देने का समय है, रोजगार छीनने का समय है। तो पीटीआई को भी आपकी सरकार रखेगी अगर आ जाती तो? बिल्कुल सर, पिछली दफा धान घोटाला हुआ था, करनाल से धान घोटाला काफी उफान पर आया, सरकार के संज्ञान में आया, उसे दबा दिया गया, अब दोबारा से चावल घोटाला एक आ रहा है, वो भी दब जाएगा, 400 करोड़ रुपए का चावल बाकी है, वो भी दबा जाएगा, क्या मान के चले इसमें, वो भी दब जाएगा, क्या वजह आप मानते हैं क्यों दबाए जा रहे हैं इस तरह के? क्योंकि किसी भी घोटाले की जो है जांच जो है वो नहीं की जा रही। आटे घोटाले की जांच चली थी, लेकिन जब आटे घोटाले की जांच चली थी, आटा घोटाला हुआ था करनाल में, जांच चली थी, सीएम साहब से जब भी सवाल पूछते हैं, अब भी जब भी यही कहा जाता है कि जांच चल रही है और अधिकारी को बदल दिया जाता है। हुड्डा साहब, आप विपक्ष में हो और इतने घोटाले और इतने नए नए मामले आ रहे हैं, तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने में कहीं कठिनाई आ रही है क्या? कोई ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.